से हमारी रेन कैंपिंग हो रही है। भाई ये देखो भाई, पानी में जब बारिश की बूंदे पड़ रही है ना भाई, बाघ का अड्डा ना इधर है कहीं। ओए ये आवाज आ रही है, भागो भागो वहां झाड़ी में कुछ है, रुक तो यहाँ पे रुक, यहाँ रुक। जी भाई लोग, क्या हाल है आपके, और नई वाली वीडियो में आपका स्वागत है। तो भैया आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है एक अलग ही लोकेशन से। ये लोकेशन कुछ ऐसी है भाई, ये है हमारे वहाँ का बांध भाई, जिसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं बांध। दोस्तों बांध से हमारे यहाँ के खेतों की ना सारी सिंचाई होती है, जितने भी हमारे गाँव के खेत होते हैं ना, तो बांध से हमारे उन खेतों के लिए पानी जाता है। बांध से आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है और यहाँ पे करने वाला हूँ मैं डे कैंपिंग। और फिलहाल अभी टाइम हो चुका है दोस्तों, दोपहर के बज चुके हैं 3:30 और मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे टेंट। और यहीं पे को आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं, नया क्या बनाएंगे वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। और आज की ये मेरी सोलो कैंपिंग नहीं होने वाली है, अपने साथ में अपने 2-3 भाई लोग हैं छोटे छोटे, तो इनके साथ में करने वाले हैं। और यहाँ का कुछ नज़ारा देखो भाई, मजे ही मजे हैं यहाँ पे। तो देखो भाई क्या मस्त नज़ारा है, जो लोग शहरों में है ना भाई उन्हें बताया कि भाई वहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, और अपने पहाड़ों में तो भाई ठंडी ठंडी हवाएं, ये प्यारा प्यारा सा माहौल, और ये नदी देख रहे हो भाई है ना, सुकून है पूरा। मेरा मन तो कर रहा है भाई मैं एक बार यहाँ पे नहा भी लूँ, लेकिन मौसम खराब हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। परसों भी ना हम लोग को बारिश लग गई थी, और आज पता नहीं हम यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे। हम लोगों को ना नाइट तक सरवाइव करना है, यहाँ पे कैसे करेंगे वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी यार दोस्तों फटाफट अपना टेंट वगैरह लगाते हैं, और ऊपर से हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है, और चाय वाय भी बनानी है। बाकी फटाफट टेंट वगैरह पिच करते हैं। तो भाई देखना होगा हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों को क्या बनाना है वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले फटाफट टेंट लगाते हैं, और भाई बारिश तो होने लग गई यार। लो भाई लोगों फटाफट पकड़ो उसको, पर तो टेंट की हालत भी ऐसी हो रही है। और ये है भाई अपने साथ जो आज कैंपिंग करने वाले हैं यहाँ पे, हल्की हल्की रात होने तक भाई, जब तक ना रात नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। तो पत्थर वगैरह ढूंढते हैं और लकड़ियां वगैरह ढूंढते हैं, तो फटाफट करते हैं अपने काम शुरू। यहाँ पे रिस्क भी हो सकता है, ज्यादा बारिश होएगी तो ना यहाँ पे नदी भी आ सकती है, क्योंकि बिनसर पड़ता है सामने। ऊपर दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को, ये देखो बिनसर वाला जो जंगल है ना, ये रहा दोस्तों,
हो सकता है भाई यहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, अभी हमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से मौसम हो रहा है ना आजकल भाई, बेकार ही हो रहा है। शाम के टाइम तो इतना खतरनाक मौसम हो जा रहा है ना, क्या ही बताऊं दोस्तों। भैया अभी यहाँ पे बन रही है अपनी चाय, और यहाँ पे भाई लोग लगे हुए हैं सब अपने अपने काम में, कोई चूल्हा बनाने में बिजी था, यहाँ पे भाई यहाँ पे बना दिया चूल्हा, तो यहीं पे ना हम लोग आलू वगैरह जो भी बना रहे भाई यहीं पे बनाने वाले हैं। और बाकी देखो ये भाई छिल रहे हैं आलू, और आदि भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? अरे बढ़िया यार, सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून है भाई, है ना। और ये देखो भाई आज ये भी आ रखा है अपने साथ में छोटा, ये देखो भाई क्या मस्त चाय बन रही है नदी के कोने में, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है गाइस। भाई कितनी शानदार उबाल आ रही है भाई इसमें। आदि भाई अपनी चाय बन गई यार, इंटरेस्टेड हो? ये देख भाई क्या मस्त हो रही है। और भाई अभी मौसम ना इतना बेकार हो गया, देखो भाई पूरे आसमान में बादल ही बादल, ओ भाई बारिश लगने लग गई गाइस, अभी तो मजा आता है। ये देखो भाई पूरे इसमें पानी में पता चल रहा है बारिश लग रही नहीं लग रही है, देखो तो बड़ा सिस्टम खराब हो गया छी यार, अगर बारिश लग गई ना तो हम और कुछ नहीं बना पाएंगे भाई, हम यहाँ पे सिर्फ चाय चाय पी पाएंगे, क्योंकि बादल इतने ज्यादा हैं। और बिनसर में देखो भाई क्या बेकार सा मौसम हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है ना यार, क्या बताऊं भाई, ये कैमरे से कैसे भाग रहे है, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा इसको देख के, पता नहीं क्यों भाग रहे। आदि भाई इसके भागने का रीजन तो बताओ। इसकी मम्मी मना कर रही है। इसकी मम्मी मना कर रही है दीपू ना, तो फिर रीजन क्या है यार, कैमरे पर बोल, बोलना यार भाई, छोटी यार। बच्ची हो क्या यार जो शरमा रहे हो, है हद हो गई यार तुम्हारे। तो दोस्तों अपनी चाय बन चुकी है, भाई लोगों को चाय वाय पिलाते हैं। तो दोस्तों अभी होने लग गई है यहाँ से बारिश, दिखाता हूँ आप लोगों को बाहर को, और हम लोगों ने मच्छरदानी लगा दी भाई यहाँ पे देखो, और ये चाय के साथ हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे कुरकुरे, और सब लोग बैठे हुए हैं भाई, हम लोग कैसे घुसे हुए हैं बंदर के बच्चों की तरह भाई टेंट के अंदर, देखो ना यार। लेकिन आज की भाई कैंपिंग बहुत हंसी खुशी हो रही है, बढ़िया लग रहा है काफी, कैसा लग रहा है, मजा है, फुल मजा है ना, वाइब तो है भाई, ये चेस। दोस्तों आप भी पी लो चाय, हो सकता है दोस्तों हम लोगों को ना चाय वाय पी के घर को जाना पड़ सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे बारिश होने लग गई है, और मतलब हो सकता है हमारे आलू नहीं भी बन सकते हैं, बाकी यार हम कोशिश तो करेंगे, वरना भाई यहाँ पे गुफा टाइप की आगे पे उसके अंदर पे बनाएंगे। बाकी फिर से हमारी रेन कैंपिंग हो रही है भाई, ये देखो भाई पानी में जब बारिश की बूंदे पड़ रही है ना, क्या खतरनाक है गाइस, अंदर भी आने लगी अब तो बारिश, लगा दें ना, भाई उमस हो जाएगी अंदर, ये देखो भाई अंदर भी आने लगी, ओ माई गॉड, ये क्या हो गया भाई साहब, आज फिर से हमारे साथ तगड़ा सीन हो गया यार भाई, हवा भी चल रही है तगड़ी वाली यहाँ। यहाँ पे बारिश लग चुकी थी और अभी बारिश हो चुकी है बंद, और उन्होंने पूरा मटेरियल यहाँ पे रेडी कर दिया है, और भाई समस्या इस चीज की है यहाँ पे आग कैसे जलेगी अब, क्योंकि भाई सब कुछ ना यहाँ पे गीला हो चुका है, तो फिर भी हम ट्राई करते हैं, अगर जलती है तो आग भाई हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे भाई आलू के गुटके पहाड़ी वाले, भाई जो हमारे पहाड़ी खेतों में आजकल आलू हो रखे ना, तो भाई वही आलू हम लेके आए हैं, और आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे आलू के गुटके, तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं बढ़िया से। तो बाकी ये नजारा देखो दोस्तों क्या मस्त है,
भाई ये चेक करो, सामने जो एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है ना, तो ये है भाई पहाड़ी घराट, जिसमें हम पहले से गेहूं वगैरह पीसते थे, जो कुछ भी अपना पहाड़ में होता है ना, मडुआ वगैरह सब कुछ भाई इसमें पीसा जाता था और मसाले वगैरह भी कूटे जाते थे। लेकिन आज के टाइम भाई ये हो चुका है बंद, क्योंकि आज के टाइम भाई एक से एक चक्कियां चल चुकी हैं और भी काफी कुछ चीजें चल चुकी हैं, जिसकी वजह से भाई इनका ना कोई काम ही नहीं है। देखो भाई आज तक ये बिल्डिंग जैसी थी वैसी ही है, समझ रहे हो। बाकी भाई ये पुराने लोगों ने बनाया हुआ है, तो अभी तक इसमें ना बिल्कुल भी इतना सभी चूरा कुछ भी नहीं हुआ है भाई, पूरा नया है जैसा था ना जब हम छोटे छोटे थे ना, तब हम लोग यहाँ पे आते थे अपने दादाजी के टाइम पे। तो आज तो यार अपने दादाजी को भी गए हुए भाई 10 से 12 साल हो चुके हैं, तो समझ जाओ भाई कितनी पुरानी बात होगी। लेकिन आज यहाँ पे हमको इतना बढ़िया लग रहा है और हम लोग फटाफट फटाफट यहाँ पे करते तैयारियां, और अभी बारिश हो चुकी है कम, तो दोस्तों आग जला। तो भाई कभी यहाँ पे ना बारिश लग रही है और कभी भाई धूप आ रही है, और अभी देखो मेरे पीछे आप लोगों को धूप दिखाई दे रही होगी इन पहाड़ियों में, देखो भाई। और यहाँ पे पता नहीं मौसम का क्या है यार, अभी हम लोग सोच रहे थे भाई, जस्ट हम लोग यहाँ पर से उठे हुए थे, हमने कहा यार बारिश तेज हो गई है, जैसे खड़े उठे तो भाई वैसी बारिश बंद हो चुकी है। हमने सोचा भाई वो घराट पे जाके हम लोग अंदर ही वहाँ बनाएंगे आलू वगैरह और आप लोगों को दिखा भी देंगे, तो अब हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अपना पहाड़ी पिरूल, पिरूल होता है ये भाई, इससे हम जला रहे हैं यहाँ पे आग, क्योंकि भाई अभी हम ज्यादा जलाएंगे तो ये लकड़ियाँ जो है ना सूख जाएंगी। और यहाँ देखो भाई धूप इतनी प्यारी से खिल चुकी है, बाकी यार आग जलती है तो यहाँ पे जलाते हैं क्या। देख सकते हो यहाँ पे आग जल गई है और भाई बना रहे हैं यहाँ पे आलू, अभी बनाता हूँ, अभी नहीं बना रहा हूँ, अभी वो सूख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें भाई थोड़ी बहुत पानी है, देख लो आप लोग भी, तो वो जैसे सूख जाते हैं तो उसके बाद डेक में बनाएंगे हम। और बाकी मैं लगा देता हूँ अपना फोन यहाँ पे, यहाँ से आप लोग इंजॉय करो वीडियो। आग वगैरह जल चुकी है और अभी हमने वहाँ पे भाई अपना डेक रखा हुआ है चूल्हे में, तो फटाफट फटाफट आलू वगैरह बनाते हैं, तो आप देख लो फिर आगे भी। तो देखते हैं दोस्तों ये कब तक पकते हैं, और इनको देखो भाई ये इनकी हरकत कैसी चल रही है। बाहर तो निकलो ए भयंकर, इसको क्या हो गया यार अचानक, ओ माय गॉड, ओ उठा रहे इसको, उठा उठा दी उसको, क्या हुआ। ये भाई नखरे कर रहे हैं यार, अलग ही बक्कू कर रखी है इनने यार, सही है भाई, ऐसे भी टाइम पास सही है, वैसे रात को होना ऐसे टाइम पास तो भाई मजा ही आ जाएगा नाइट कैंपिंग में। अपने आलू और देखते हैं पक गए नहीं पक गए, दीपू पक गए क्या भाई, पक तो गए। ये देखो दोस्तों वो भाई पूरे रेड हो रहे यार, ये तो टेस्ट होगा भाई इसका तगड़ा, है नहीं दीपू। तो दोस्तों अभी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, एक बार आप लोग ये चेक करो पीछे भाई, पानी में पता चल रहा है ना बारिश हो रही नहीं हो रही, और भाई लोग बैठे हुए हैं अपने टेंट के अंदर, और ये रखा हुआ मैंने अपने ट्राइपॉड। लेकिन भाई ये लोकेशन इतनी मस्त है ना, अगर भाई किसी को दोबारा यहाँ पे नाइट कैंपिंग करनी होगी तो भाई कमेंट कर देना, साथ में करेंगे, मैं भी आ जाऊंगा। अगर ये जगह ना मेरे गांव में ही पड़ती है, और मैं देना भाई कमेंट करके अगर किसी को आना होगा तो। ये देखो भाई यहाँ पे प्याज वगैरह काट रहे हैं, इसको डालेंगे हम आलू के ऊपर। क्या दोस्तों अपने आलू ना एकदम बन चुके हैं, और फाइनल रिजल्ट ये रहा भाई, देखो आ रहे मुंह में पानी, काटा हुआ है दोस्तों हमने प्याज, ठीक है इसको इसमें डालेंगे, चितकर का जलाई ना यार, लो भाई कोई नहीं बढ़िया है। तो भाई इसमें डाल दिया हमने प्याज, और अब इसका टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल हो गया भाई, हरी गांव के आलू हैं भाई, देखो कुछ ऐसे हो गए भयंकर, क्या मस्त हो गए गाइस। तो फटाफट फटाफट मैं भाई लोगों को खिलाता हूँ।
तो यार हम लोग ना आलू वगैरह खाने लग गए और इनसे पूछते हैं टेस्ट कैसा है दीपू। बढ़िया है एकदम। उससे आदि कैसा है? पहला ही खाने में हार्ट हो गया ये बहुत ज्यादा। बहुत हार्ट है क्या आलू खाने? तो यार अब हार्ट तो हो गई। क्यों लो भाई आप भी खा लो यार। लोग ये खा रहे थे इसके अंदर, मैं कह रहा हूँ इनसे कि पत्थर के ऊपर बैठ के खाते, क्योंकि यहाँ प्यारे से नेचर में आ रखे तो प्यारे से नेचर के मजे तो लेने हैं ना। तो इसके ऊपर बैठेंगे, बैठ के यहाँ से पूरा फील लेते हुए ना। ये देखो भाई, जिनको लग चुकी है इतनी मिर्च और ये भयंकर यहाँ एक दूसरे को मारने लग गए थप्पड़। भाई वहाँ थप्पड़बाजी होगी। प्रियांशु ने मारा दीपू भाई को थप्पड़। ऐसे देखो ना अभी क्या मस्त नजारा आ रहा है यार शाम का। और अभी आधी टाइम कितना हो गया देखते अपने फोन में। भाई टाइम देखियो दीपू, एक बार 6:19 हो चुके हैं दोस्तों अभी। और यहाँ का प्यारा सा नजारा, और दिन में ना यहाँ पे बाघ आता है। भाई बाघ तो यहाँ पे हमेशा ही रहता है। जो ये मोड़ दिख रहा है इसके पीछे साइड को ना हमेशा बाघ रहता है, बाघ का अड्डा है। और इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं तो भाई बाघ ना कहीं भी छुप सकता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज बहुत मजा आया। पर तो यार दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे आलू वगैरह खा लिए हैं और आलू का टेस्ट इतना बढ़िया था ना क्या बताऊँ। बाकी भाई लोगों से जानते हैं यार, मैंने बनाए थे आलू और कैसे हो रहे थे भाई लोगों? उसमें मिर्ची हो रही थी ना, फिर होनी थी इसकी पॉटी। तो चलो कितना बच रहा है वो दिखाया, कितना बच रहा है भाई, थोड़ी बहुत आलू बच गए हैं। तो दोस्तों प्लान कुछ ऐसा है, अभी अब हम जा रहे हैं यहाँ से थोड़ी ऊपर तक, जहाँ पे आप लोगों को एक व्हाइट सा पत्थर दिख रहा है ना, वो देखो भाई कोने में नदी के पीछे साइड को भाई बाघ का अड्डा है। वहाँ पे ना ऐसे उड़ियार कहते हैं ना पहाड़ी भाषा में, वहाँ पे ना एक उड़ियार जैसा है। तो गांव वाले की वहाँ पे बाघ रहता है, दिन दहाड़े बकरियों को खींच लेता है अपने पास। मतलब कोई भी बकरियां या भाई यहाँ पे आती है ना, तो वो बाघ ना भाई छोड़ता नहीं है। तो हम लोग थोड़ी आगे तक जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे है कि नहीं। अगर हम लोग को दिखेगा ना तो हम भाग के भागते आ जाएंगे भाई। इसमें ना नहाने में भी भाई मजे से आ जाएंगे। मछलियाँ देखो भाई, तुम दो ना हो कैमरे में तो कैमरे, हाँ कैमरे में तो नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन वैसे दिख रहे हैं भाई, पलटते हुए दिख रहे हैं। देखो धीरे धीरे चलो अब यहाँ से, क्योंकि आगे ना उसको आवाज सुनाई देगी तो बाहर आ जाएगा, तो मतलब दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी। बाकी यार चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। देखो भाई यहाँ को इतने बड़े बड़े गड्ढे वाले, डरा दिया इसने मुझे। अलग ही है यार ये भाई, इनने ना आधा प्रहार कर दिया गाइस मेरा। तो भाई यहाँ से देखो आगे, ओ भाई साहब मैं कई टाइम बाद आ रहा हूँ। देखो बहुत डरावनी जगह है भाई ये। ओए आवाज आ रही है कुछ, हाँ हल्की पत्थर जैसा मारने की टाइप की, भयंकर की। यहाँ पानी में बहुत टफ हो रहे हैं। ये देखो भाई बाघ का अड्डा ना इधर है कहीं, और भाई इधर है आगे। ओए ये आवाज आ रही है, भागो भागो। अचानक आवाज आ गई यार, वहां आप झाड़ी में कुछ है, रुक तो यहाँ पे रुक, यहाँ रुक, आदि यहाँ से रुक के देखते हैं। ओ भयंकर की, ओ माय गॉड, ओ भाई भागो। तो भाई यहाँ पे ना 2-3 पत्थर मारे ऊपर से, ऐसा लगा कि भाई वहाँ अंदर कुछ है। पत्थर वत्थर मारे यहाँ, पता नहीं झाड़ी के अंदर ना कुछ हिल रहा था। हम लोग वहाँ से दौड़ते दौड़ते आ गए। तो यार निकलते हैं भाई, ज़्यादा लेट ना करते हो ना, फटाफट निकलते हैं, अपना टेंट वगैरह पैक करते हैं। हमारे पहाड़ों में ना दोस्तों ऐसे टाइप के सीन तो होते रहते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना उससे हमको रिस्क हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो फटाफट फटाफट यार अपना टेंट वगैरह उठाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि भाई घर भी जाना है तो लेट भी हो रही है। हम लोग यहाँ पे आए हुए थे 2 से, हम घर से निकले हुए थे। और अभी फिलहाल टाइम हो चुका है दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 7, अंधेरा भी जस्ट होने वाला है। 7:10 तक ना अंधेरा हो ही जाता है दोस्तों। जितना भी यहाँ पे कूड़ा वगैरह है ना, ये तो खैर गली जाएगा, क्योंकि आलू का है छिलका। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा सा 2-1 प्लेटें हैं, इनको हम साइड रख देंगे। और बाकी यहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं कर रखी है, देख सकते हैं आप लोग। भैया फाइनली हम लोगों ने यहाँ से अपना टेंट वगैरह भी उठा दिया, जितना सारा सामान था ना अपना सब हमने पैक कर लिया है। और अभी बात ये घर को निकलने की, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को दूसरे वाली वीडियो में, तब तक का ध्यान रखो आप सब।